सभी सम्मान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मान्य साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण गतिमान है। इस शिक्षक प्रशिक्षण में 4 दिनों में किन किन बिंदुओं पर वार्ता होगी, उन सभी पर, जैसे इस शिक्षक प्रशिक्षण का फ्रेमवर्क क्या है, इस शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत वार्षिक शिक्षण योजना क्या है, उस पर हमें किस प्रकार से कार्य करना है, साप्ताहिक शिक्षण चक्र हिंदी और गणित के लिए क्या है, साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना पर किस प्रकार से हमें कार्य करना है, हिंदी के कितने कालांश हैं, गणित के कितने कालांश हैं, कितनी मिनट के कालांश हैं, इसके साथ ही हमें आकलन कब करना है, साप्ताहिक आकलन कब होगा, किस प्रकार से होगा, इसी तरह शाब्दिक आकलन कब करना है और शाब्दिक आकलन करने की क्या प्रक्रिया है, आकलन करने के पश्चात जो विभिन्न प्रकार के ट्रैकर हैं उन ट्रैकर पर किस प्रकार से काम करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रशिक्षण से संबंधित जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें देने का प्रयास करूँगा। सामान्य साथियों, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हो सकता है कि मेरे द्वारा भी बहुत सारी कमियाँ इसमें रह जाएं, मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। जो भी सुझाव है आप कृपया जरूर लिख दीजिए। साथियों, सबसे पहले हम इस प्रशिक्षण की आवश्यकता और इसके एक मोटे मोटे फ्रेमवर्क पर बात कर लेते हैं, और इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं साथियों हम NEP की। साथियों, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर कैसे नागरिक बनेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी है। आप अपने बच्चों के अंदर क्या क्या गुण देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर करुणा हो, सहानुभूति हो, हमारे बच्चे साहसी हों, हमारे बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करने वाले हों, उनके अंदर कल्पना शक्ति हो, क्रिएटिविटी हो, नैतिक मूल्य उनके अंदर हो, और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ने में होशियार हों, हिंदी पढ़ने में होशियार हों, गणित में होशियार हों, अन्य विषयों में होशियार हों। तो साथियों, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका जो आधार सिद्धांत वो यही है कि इसमें एक बच्चा बड़ा होकर के कितना अच्छा नागरिक हमारा बन पाए, उसके अंदर करुणा हो, सहानुभूति हो, देशभक्ति हो, साहस हो, बच्चा तर्क करने वाला हो, प्रतिक्रिया तर्क के साथ देने वाला हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, कल्पनाशीलता हो, नैतिक मूल्य उसमें भरे हुए हों, वो अपने माता पिता की सेवा करने वाला हो, तो ऐसा एक नागरिक तैयार करने के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अपने बेसिक के हिसाब से, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मूल फोकस किया गया है उस पर हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल फोकस किया गया है FLN पर, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर। अर्थात इस FLN को आधारभूत सीख के रूप में हम देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं, ये NEP में कहा गया है। अगर हम कहें कि NEP का मूलभूत सिद्धांत क्या है, सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया है तो केवल इस बात पर किया गया है कि हमारे भारतवर्ष में जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 9 वर्ष तक की है, ऐसे बच्चे यदि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनके आगे सीखने की जो आधारशिला है वो तय होगी, बच्चे बड़े आसान तरीके से आगे सीख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है NEP में वो बुनियादी संख्या ज्ञान और साक्षरता के लिए किया गया है, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड पर भी देख पा रहे हैं। NEP में FLN पर अगर बात करूँ मैं, तो 3 चीज़ों पर बात हुई है। एक, जो यो हमारी आधारभूत सीख है यानी कि FLN, इसको देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया जाए, और जैसे ही ये बात इसमें आई तो NEP में एक बिंदु रहा कि यदि आप बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान को
सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना चाहते हैं तो हमें एक राष्ट्रीय मिशन की प्रारंभ करना पड़ेगा। तभी एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ कर दिया गया। उस राष्ट्रीय मिशन को आप भलीभांति जानते हैं साथियों, उसका नाम है निपुण। पूरे भारतवर्ष में निपुण गतिमान है और निपुण का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी प्राथमिक कक्षाएं हैं बाल वाटिका से कक्षा तीन तक, उन सभी में 2026-27 तक उन सभी बच्चों को हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करा दें। साथियों तो साथियों एनईपी में बात रही, मुख्य रूप से फोकस किया गया बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए, और इसलिए निपुण भारत मिशन को प्रारंभ किया गया। निपुण भारत मिशन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि कक्षा तीन तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर ले। अर्थात सीधी सी बात है कि बच्चा समझ के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दे, बच्चा समझ के साथ लिखना प्रारंभ करे, बच्चा बुनियादी संक्रियाएँ जो गणितीय संक्रियाएँ हैं जोड़ना घटाना इनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाए और जीवन के बुनियादी कौशल उसको जीने के आ जाएं। तो ये सभी चीज़ें निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को 2026-27 तक प्राप्त कराना है। तो देखा आपने साथियों कि एनईपी में बात की गई, फोकस किया गया FLN का, अर्थात बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के ऊपर फोकस किया गया, जिसके लिए निपुण भारत मिशन को प्रारंभ किया गया। और इस निपुण भारत मिशन का मुख्य जो लक्ष्य है वो एक लक्ष्य है क्या कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे के अंदर आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कराना है। साथियों अब बात करते हैं निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य, अभी आपसे मैंने साझा किया कि कक्षा बाल वाटिका से प्रारंभ होकर के तीन तक प्रत्येक बच्चे को FLN प्राप्त कराना। अब ये जो बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान बच्चे को प्राप्त कराना है, इसको प्राप्त कराने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कुछ अधिगम लक्ष्य को तय किया गया है, कुछ अधिगम लक्ष्य को तय किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वे कौन कौन से अधिगम लक्ष्य हैं और दूसरी ओर बात करेंगे कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ स्लाइड में पहले बात कर लेते हैं निपुण भारत मिशन के उद्देश्य और अधिगम लक्ष्य में क्या अंतर है। जी साथियों सबसे पहले बात करते हैं निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या हैं, तो मैं संक्षिप्त में आपके साथ साझा कर लेता हूँ। साथियों निपुण भारत मिशन का एक उद्देश्य है क्या कि खेल खेल में और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से समझ के साथ पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों को संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क के साथ समझने की उनके अंदर प्रवृत्ति आए। निपुण भारत मिशन का ये उद्देश्य है कि हम शिक्षकों को, वे प्रधानाध्यापकों को और शिक्षा प्रशासकों को उनकी क्षमता का संवर्धन कर सके और आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, ये निपुण भारत मिशन के सभी उद्देश्य हैं। तो साथियों ये थे उद्देश्य। अब ये जो निपुण भारत मिशन प्रारंभ हुआ है, मैंने इसमें अभी एक लक्ष्य की बात रखी थी कि प्रत्येक बच्चे को FLN प्राप्त कराना। उस FLN को प्राप्त कराने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा तीन तक कुछ अधिगम लक्ष्यों को तय किया गया। तो थोड़ी सी बात कर लेते इन अधिगम लक्ष्यों की। बाल वाटिका के अंतर्गत जैसा कि आप ये सभी जानते हैं तो मैं इन पर ज़्यादा बात नहीं रख रहा हूँ। बाल वाटिका से लेकर के कक्षा तीन तक कौन कौन से अधिगम लक्ष्य हैं इनकी आपको साथियों जानकारी है, मैं आगे इसलिए बात रखता हूँ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये अधिगम लक्ष्य तय हुए और इसका PDF जैसे ही प्रारंभ में आया हम सभी साथियों ने इनको याद किया। कुछ ही समय के पश्चात हमने देखा कि निपुण भारत मिशन के पुनः लक्ष्य आए और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कन्फ्यूज हुए क्योंकि वो अपने विद्यालय में उनको पेंटिंग करानी थी कि कौन से वाले निपुण लक्ष्य है जिनको हम विद्यालय में पेंट कराएं या जिनकी हम फ्लैक्सी लगाएं। सामान्य साथियों इस दोनों निपुण लक्ष्यों में क्या अंतर है, इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले बना करके आपको प्रेषित कर रखी है, मैं यहाँ बस संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। देखिए साथियों ये जितने भी अधिगम लक्ष्य हैं ये सारे के सारे अधिगम लक्ष्य अगर आप गौर से इन्हें पढ़ते हैं तो इनमें स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता नहीं है और ये मापने योग्य नहीं है। अर्थात
कि बच्चे को ये आ गए हैं, आप कैसे इस चीज को नाप लें, कैसे इस चीज को माप लें। जैसे कि यहां पर दिया हुआ बच्चा अर्थ के साथ पढ़ लेता है, तो इस चीज का एक सटीक मापन कैसे हो पाए वो यहां पर प्रदर्शित नहीं है। लेकिन आप अगर यहां पर देखिएगा, यहां हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, जो ये पूरे भारतवर्ष में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अधिगम लक्ष्य तय किए गए हैं, इनको संशोधित किया गया है, इनको स्पष्ट किया गया है, इनको मापने योग्य यहाँ पर बना दिया गया। कैसे मापने योग्य बना दिया गया, देखिएगा उदाहरण के रूप में मैं आपके साथ रख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात रखी थी कि बच्चा अर्थ के साथ पढ़ पाए, लेकिन हम उसे मापेंगे कैसे। यहाँ पर मापने की प्रक्रिया दी गई है कि बच्चा एक मिनट में 45 शब्द पढ़ पाए। तो देखिए 45 शब्द बिल्कुल सटीक दिया हुआ, 45 शब्द पढ़ पाए तो हम माप सकते हैं अब। और दूसरा अर्थ, बच्चा अर्थ के साथ पढ़ पा रहा, इस चीज़ का मापन कैसे होगा। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यदि आप उस संबंधित पैराग्राफ से बच्चे से प्रश्न पता करते हैं और बच्चा 75% प्रश्नों के उत्तर दे पाता है, तो निश्चित है कि बच्चे को अर्थ के साथ पढ़ना आ गया है। तो यहाँ पर इन दोनों लक्ष्यों में आप देखेंगे यही डिफरेंस है, एक तो कि ये जितने भी अधिगम लक्ष्य निपुण के पूरे भारतवर्ष के लिए तय किए गए हैं, इनमें मापन नहीं था कि बच्चे को आ गए हैं हम कैसे किसी ऐप के माध्यम से, कैसे हम इसे मापें बड़े आसान तरीके से, क्योंकि हमें मापना भी जरूरी है। मापेंगे तभी जाकर के हम ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और वही स्तर ऊपर तक बढ़ता जाएगा। तो एक अंतर हुआ साथियों ये कि ये अधिगम लक्ष्य थे और इन अधिगम लक्ष्य को और भी अधिक स्पष्ट और मापने योग्य यहाँ पर बनाया गया है। इन सभी को अब मापा जा सकता है किसी पैमाने पे, वो पैमाना यहाँ पर, वो स्केल यहाँ पर दिया गया है कि निर्धारित सूची में 20 शब्द हैं, उनमें से अगर 5 शब्द बच्चा पढ़ लेता तो इसका मतलब बाल वाटिका का हिंदी का लक्ष्य आ गया। इसी प्रकार से और भी अगर साथियों इसकी डिटेल आपको चाहते हैं तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया था, उसको आप डिटेल को देख सकते हैं। दूसरा अंतर साथियों यहाँ ये भी है कि आप देखेंगे नीचे यहाँ पर 2026-27 लिखा हुआ, यानी कि पूरे भारतवर्ष में निपुण भारत मिशन के इन लक्ष्यों को प्राप्त कराने का लक्ष्य 2026-27 है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में इन लक्ष्यों को प्राप्त कराने का एक साल समय अवधि कम कर दी गई है, 2025-26 कर दिया है, अर्थात मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि है। साथियों अभी हम बात कर रहे थे इस प्रशिक्षण के फ्रेमवर्क की, तो आप कहेंगे कि मैं तो फ्रेमवर्क से हटता जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं पुनः एक बार बात रखता हूं साथियों। देखिए सबसे पहले हमने एनईपी पर बात की, एनईपी पर विशेष रूप से फोकस किस पर किया गया है, वो बुनियादी संख्या ज्ञान और साक्षरता पर किया गया है। उसके लिए एफएलएन को बनाया गया और एफएलएन के अंतर्गत अधिगम लक्ष्यों को बनाया गया और वे अधिगम लक्ष्य निपुण लक्ष्य के रूप में आपके आ गए। अब विभाग का ये प्रयास था कि जल्द से जल्द इन लक्ष्यों को और इस एफएलएन को, इस बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान के इन लक्ष्य को बच्चों को करा दिया जाए, लेकिन जैसे ही साथियों ये प्रक्रिया बनकर के आई, एक त्रासदी हमारे सामने आई। क्या त्रासदी आई, आप सभी उस त्रासदी से वाकिफ हैं। वो त्रासदी थी साथियों कोविड की त्रासदी। कोविड जैसे ही आया तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के अंदर, 2 साल हमारे बच्चे दूर रहे अपने विद्यालयों से, और उन बच्चों के अंदर एक अधिगम रिक्तता आ गई है, अधिगम क्षति हुई है। अगर मैं महसूस करने की बात कहूं साथियों, तो आप और हम बात करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़ गया है, हैं बच्चा हो सकता भावनात्मक रूप से कमज़ोर हुआ है, बच्चे को जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता थी, जिस समय अधिक आवश्यकता थी, उस समय शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है, फिर भी हमारे शिक्षक साथियों ने ई पाठशाला के माध्यम से और ये लगाएं मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से आप साथियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। साथियों मैं कोविड पर बात करने से पहले दो चीज़ें आपके सामने और स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ साथियों के प्रश्न आते हैं कि बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक निपुण भारत मिशन है, तो कक्षा 4 से लेकर के 8 तक क्या है। तो इसमें स्पष्ट मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा साथियों कि बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक निपुण भारत मिशन संचालित है और कक्षा 4 से 8 तक वर्तमान में मिशन प्रेरणा फेज 2 संचालित है। अर्थात 4 से लेकर के 8 तक जो भी कार्यक्रम चलेंगे वो सारे के सारे हमारे मिशन प्रेरणा फेज 2 के अंतर्गत चलेंगे, और जबकि बाल वाटिका से कक्षा 3 तक लेकर के निपुण भारत मिशन कार्यक्रम चलेगा। तो साथियों बात कर रहे थे अब हम कोविड के प्रभाव की,
साथियों, कोविड का प्रभाव जब मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ बात करता हूँ तो कुछ चीज़ें निकल करके आती कि कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लेकिन हम उसकी गहराई तक नहीं गए। जब ये प्रशिक्षण आया, इस प्रशिक्षण को मैंने प्राप्त किया, तब जाकर के मुझे महसूस हुआ कि वाकई बच्चे की कितनी अधिगम रिक्तता हुई है। तो मैं एक मिनट में उस अधिगम रिक्तता को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के आंकड़ों पर बात करूँ, जो 5 राज्यों में उन्होंने सर्वे किया, तो उस सर्वे में उन्होंने पाया, देखिएगा साथियों, कक्षा दो का बच्चा अगर बात करें तो 49% बच्चों ने चित्र में दिख रही घटनाओं पर अपनी जो बात वे करने वाले थे वो क्षमता को खो दिया है। और बात करें सर, 71% बच्चे तो लिखित सामग्री देखकर शब्द पठन की क्षमता ही खो दी है। तो आप महसूस कर सकते कि कितनी बड़ी कमी यहाँ पर देखने को आई है, बच्चों के अंदर कितनी अधिगम रिक्तता आई है, कितना लर्निंग गैप आया है। और तो और बात करें साथियों, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो 26% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 अंकों की संख्याओं में संख्यांक को पढ़ने की क्षमता को खो दिया है। तो ये हमारे अजीम प्रेम जी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके आंकड़े हैं, जो 5 राज्यों में उन्होंने सर्वे किया। और अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो साथियों, भाषा में कहीं ना कहीं आप देखेंगे 92% बच्चों ने अपनी कोई एक दक्षता को जरूर खो दिया। इसी तरह अगर गणित की बात करूं तो 82% ऐसे बच्चे हैं जिनमें गणितीय दक्षताओं में कमी आई है। तो साथियों, महसूस करने की बात है, NEP में बहुत अच्छी बात की गई, फोकस किया गया, FLN पर फोकस किया गया, जल्दी से मिशन को प्रारंभ किया गया, मिशन के अधिगम लक्ष्य तय किए गए। उन लक्ष्य को जैसे ही हम आगे लेकर के जा रहे थे, अपने बच्चों पर तुरंत ही ये त्रासदी आई। अब जब COVID-19 आया, जो बच्चा 1 में था 2 में आया, 2 वाला 3 में और 3 वाला 4 में, तो आज अगर मैं 2022-23 की बात करूं साथियों, तो जो बच्चा वर्तमान में कक्षा 3 में है, देखिएगा उसके साथ बहुत कमी हुई है। वो जो वर्तमान में बच्चा 3 में है, उसके पास देखेंगे कक्षा 1 की कुछ दक्षताएं, कक्षा 2 की कुछ दक्षताएं उसे नहीं आती हैं। इसी तरह से वर्तमान में जो कक्षा 2 में बच्चा है, उसे कक्षा 1 की बहुत सारी दक्षताएं नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम इटके हुए हैं। अब आप खुद महसूस करिएगा कि अब सत्र प्रारंभ हुआ है, ये सभी बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, तो क्या इन बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया जाए या किसी विशेष रणनीति की हमें आवश्यकता होगी? तो साथियों, निश्चित रूप से हमें आवश्यकता होगी एक विशेष रणनीति की, क्योंकि अगर हम बात करें इन बच्चों पर पूरे सत्र इन्हें पढ़ाने की अगर बात करते हैं, तो जो बच्चों के अंदर इतना लर्निंग गैप आ गया है, तो हमारा विभाग भी ये मानता है, हम भी ये मान रहे हैं, पेरेंट्स भी ये मान रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग गैप आया है। और जो वर्तमान में कक्षा 2 और 3 में बच्चे हैं, वो तो पिछली कक्षाओं के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको पा ही नहीं पाए हैं, बहुत सारी दक्षताएं उनके अंतर्गत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, एक बात बताइए आप ही, अगर हम साधारण योजना के हिसाब से पढ़ाएं कि हम गए और जाकर के हमने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, हमने ये चेक ही नहीं किया कि कितनी प्रकार की जो दक्षताएँ बच्चे की रह गई हैं, उन दक्षताओं को हम पूरे साल कैसे विभाजित करें, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो रणनीति हमारी कारगर नहीं होगी। जब इतनी सारी चीज़ें छूट गई हैं, तो साथियों हमें किसी ना किसी एक विशेष रणनीति, एक विशेष कार्य योजना की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। ये जो कार्य योजना है, ये जो रणनीति है साथियों, ये आप स्वयं बनाने का पहले प्रयास करिए। आज की इस वीडियो में मैं ये महसूस कराना चाहता हूँ कि ये जो विशेष रणनीति है, ये जो कार्य योजना है, ये बनाना कितना टफ है, कितना कठिन काम है। तो साथियों, अब हम योजना बनाने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ही हैं, आप 10 मिनट का समय ले लीजिएगा और 10 मिनट या 20 मिनट में आप, या आधा घंटे में आप, अपनी कक्षा एक में गणित है, अभी कक्षा 1 पर चलिए बात नहीं करते, कक्षा 3 पर बात करते हैं, कक्षा 3 का बच्चा वर्तमान में 2022-23 में है, आप उसे गणित सिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको गणित की कौन कौन सी दक्षताएं नहीं आती। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट करिएगा कि कौन कौन सी दक्षताएं नहीं आती हैं।
कर ली। करने के बाद एक प्लान आप बनाइएगा पूरे वर्ष का कि पूरे साल इस शैक्षिक सत्र 2022-23 में उन दक्षताओं को आप कब कब सिखाएंगे, कितने सप्ताह में सिखाएंगे। सप्ताह में सिखाने के बाद आप कितने कालांश रखेंगे और कितने कालांश में कितने दिनों में आप उसको पूरा करेंगे। साथियों, वो कालांश कितने समय का होगा, जो वो दक्षता आप सिखाएंगे उस दक्षता को सिखाने के लिए आप कौन सी शिक्षण योजना बनाएंगे, किस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का, संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और जब इतना काम करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे का आकलन भी करना होगा। तो आकलन किस दिन करेंगे और आकलन किन प्रपत्रों पर करेंगे। साथियों, ये सब काम करने के बाद यदि बच्चे को हमने ट्रैक नहीं किया, उसकी प्रगति को ट्रैक नहीं किया, तब भी बेकार है। तो ऐसी स्थिति में आपको साथ में ये भी बनाना है कि बच्चे को ट्रैक कैसे किया जाए, कि उसकी प्रगति क्या है। तो साथियों, ये कई सारी चीज़ें हो गई हैं, 10 मिनट तो नहीं, 10 मिनट तो खैर कम है। आप ऐसा करिएगा, 30 मिनट बैठिएगा, पेन लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा और एक वार्षिक कार्य योजना आप स्वयं बनाने का प्रयास करिएगा। माफ़ी चाहूँगा साथियों, लेकिन मैं महसूस कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि ये इस तरह का पूरा वार्षिक प्लान बनाना बहुत टफ काम है। अगर एक काम हो जाए कि ये जो पूरी वार्षिक योजना है यो हमें मिल जाए, डे बाय डे की, कालांश बाय कालांश की, पूरा एकदम सिस्टमेटिक प्लान बन करके हमें मिल जाए, तो कितना आसान होगा। मैं तो उन साथियों से भी निवेदन करूंगा जो मेरे एआरपी साथी अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले पूरे वर्ष की कार्य योजना 30 मिनट के लिए अपने शिक्षण साथियों से बनवाने का प्रयास करिए। जब हमारे शिक्षक साथी से बनाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें महसूस होगा इसकी महत्ता का, कि यार कितना टफ काम है। और हमारे शिक्षक विभाग, हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग देखिएगा, उसका प्रयास देखिएगा साथियों, आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने, हमारे जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने पूरे 22 सप्ताह की, पूरे वर्ष की शिक्षण योजना बना करके हमें दे दी है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप बनाइए, आपको नहीं बनानी है, बल्कि आप देखिए कि ये पूरा सिस्टमेटिक काम हमें बना करके दे दिया गया है। ये पूरी 22 सप्ताह की शिक्षण योजना है, इस पूरे 22 सप्ताह की शिक्षण योजना पर ही साथियों हमें काम करना है। तो ये जो अब हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, मैंने जो इसका फ्रेमवर्क पर बात की वो यही है कि NEP आई, NEP में FLN पर बात हुई, जब बात हुई तो उसके अधिगम लक्ष्य और निपुण के लक्ष्य तय हुए, उन पर हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लर्निंग गैप आया। अब जब लर्निंग गैप आया साथियों इतना, तो आज 2022-23 सत्र में हम बच्चों पर ऐसे काम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ विशेष रणनीति, कुछ ना कुछ विशेष कार्य योजना हमें तय करनी होगी, बनानी होगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। और इसी को लेकर के हमारे विभाग ने हमें वार्षिक कार्य योजना 22 सप्ताह की बना करके दे दी है, विशेष उसमें है सब कुछ, उस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण में हमें यही जानना है कि वो वार्षिक कार्य योजना क्या है, उस कार्य योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा और उसमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे, इस पूरे प्रशिक्षण में किन चीजों पर बात होगी, इस पूरे प्रशिक्षण में बात करेंगे हम योजना पर। कैसी योजना पर? जो हम वार्षिक लक्ष्य हमने तय किए गए हैं, वार्षिक लक्ष्य कौन से तय हैं हमारे, आप भली बात ही जानते, जो हमारे निपुण के लक्ष्य हैं, जो हमारे निपुण के लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं उनको समझें, जो हमारे बुनियादी संख्या ज्ञान और साक्षरता को सीखने के सिद्धांत हैं उनको समझाना, 2022-23 में हमारी जो भाषा और गणित की जो लक्षित दक्षताएँ हैं उनको समझाना, जो हमारी 22 सप्ताह की पूरी शिक्षण योजना है उसको बांट करके शिक्षण उद्देश्यों में समझाना अपने शिक्षक साथियों को, ये इस प्रशिक्षण में काम होगा। अर्थात इस प्रशिक्षण में जो वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति की प्रस्तावित योजना है वो हम शिक्षक साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक काम हो गया, चलिए हमने इस योजना को आप तक पहुँचा दिया, लेकिन पहुँचाने के बाद दूसरा क्या काम होगा इस प्रशिक्षण में? दूसरा काम है कि ये जो वार्षिक कार्य योजना, ये तो आप तक हमने साझा कर दी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे हो, उस क्रियान्वयन की समझ शिक्षक साथियों में विकसित करने का इस प्रशिक्षण में कार्य होगा। जैसे किस तरह से करेंगे, एक
उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो किस दिन, किस कालांश में, किस सप्ताह में क्या कार्य हमें करना है और किस प्रकार से करना, आकलन कैसे करना है, ट्रैकर कैसे भरना है, वो सारी जो क्रियान्वयन की समझ है वो सभी शिक्षक साथियों में विकसित करने का प्रयास रहेगा इस प्रशिक्षण में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस प्रशिक्षण में अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा किया जाएगा कि जो संसाधन है, जो हमारे विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का कैसे प्रभावी उपयोग हो पाए। प्रिंट रिच सामग्री है तो उनका कैसे प्रयोग हो पाए, गणितीय कार्ड और पोस्टर मिले हैं उनका कैसे प्रयोग हो, गणित किट मिली है उसका कब प्रयोग करना है, अभी बिग बुक हमें मिलने जा रही है, ठीक, टीचर गाइड हमें मिलने जा रही है, वर्कबुक बच्चों को मिलने जा रही है, तो इन पर कैसे काम हो, इन संसाधनों पर बात होगी। तो साथियों, ये जो हमारी पार्ट वन वीडियो है, इसमें हमने पहले जानने का ये प्रयास किया है कि इस पूरे प्रशिक्षण का फ्रेमवर्क क्या है, इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है और हम इस प्रशिक्षण में किस बिंदु पर विशेष रूप से बात करेंगे, अर्थात हम इस प्रशिक्षण में एक पूरे वर्ष की जो विशेष रणनीति विभाग ने हमें बना करके दी है, उस रणनीति को, उस योजना को समझने का प्रयास करेंगे, उसके क्रियान्वयन की विधि को समझने का प्रयास करेंगे, उसमें प्रयुक्त होने वाले संसाधनों को समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ये प्रशिक्षण रखा गया है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे शिक्षक साथी और हम लोग इस योजना को, इसके क्रियान्वयन को, इसमें प्रयुक्त संसाधनों को अच्छे से समझ लेते हैं और उसका क्रियान्वयन बच्चों के साथ हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसी सत्र में हमारे बच्चे निपुण बच्चे बनकर के निकलेंगे। मैं विभाग के इस प्रयास को नमन करता हूं कि विभाग ने हमारे शिक्षक साथियों के लिए इस प्रकार की पूरी वार्षिक योजना बना करके हमें दी है। विभाग का भी आभार और सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद। जो अगली वीडियो है, उस अगली वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगा कि किस प्रकार से वार्षिक कार्य योजना पर काम करना है, शिक्षण उद्देश्य गणित के कितने हैं, हिंदी के कितने हैं, इसके बाद साझा करूंगा कि साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना कैसे करनी है, इस पर मैं बात करूंगा और उससे आगे की जो वीडियोस होगी उसमें आकलन और ट्रैकर के संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। सम्मान्य साथियों, पुनः अगर कोई कमी हुई है माफ़ी चाहता हूं, आप अपने सुझाव लिख दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कमियाँ हो ही जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।